एक मार्गदर्शन आप भारत माता की आपके बीच आके बहुत जोश आ रहा है क्योंकि हम यहाँ कोई किसी की निंदा चुगली या किसी की आलोचना करने नहीं आए। हम एक ऐसे व्यक्ति के समर्थन में आए हैं जो आप लोगों की लड़ाई लड़ता लड़ता जेल में है, लेकिन जेल में से भी जो चिट्ठी उसने लिखी है इसका मतलब हौसले बुलंद। सबको नमस्कार। ये कोई नई बात नहीं है, ये पहले से होता आया है। जो भी लोगों की लड़ाई लड़ता है और जो लोगों को लूटते हैं उनके खिलाफ लड़ता है उसको जेल जाना पड़ता है। ये पहले से होता आया है, ये बिरसा मुंडा से होता आया है, ये भगत सिंह से होता आया है, ये करतार सिंह सराबा से होता आया है, ये उधम सिंह से होता आया है, ये लाला लाजपत राय से होता आया है, ये चंद्रशेखर आजाद से होता आया है, पहले से होता है। लेकिन जब लोग खड़े हो जाते हैं तो बड़े बड़े नाम लश्कर ढेर हो जाते हैं। जब पगल पब्लिक खड़ी हो जाती है, ये पब्लिक है सब जानती है। लोग जब चाहे आदमी अर्श पर, लोग जब चाहे आदमी फर्श पर। बहुत बड़े बड़े उतार लेते हैं लोग। चेतन भाई बसावा क्या लड़ाई लड़ रहे थे? सुबह 4 बजे आके कपास की फसल बर्बाद कर दी किसान की, आदिवासी किसान की। जमीन हमारी है जी, उन्होंने कहा नहीं चलो पैसे दो इसके। कैसे जमीन हम तुम्हारी है? अरे 3 जा हैं, मैंने पेशा कानून पढ़ा, 3 जा हैं, जा इंग्लिश में कह लो जे, जो आपके हैं, जल जंगल जमीन। और उनमें से जमीन छीनने आए थे तो चेतर भाई आगे खड़े हो गए, भाई ऐसा तो नहीं होगा, उठा के जेल में फेंक दिया। कहते जी ये तो लड़ाई लड़ रहे हैं हम बंदों की, जेल में फेंक दो। दिल्ली में क्या हुआ? अरविंद केजरीवाल के सिपाही, अरविंद केजरीवाल जी के वफादार सिपाही स्कूल बनाने लग गए। बड़े शानदार स्कूल बना दिए अरविंद केजरीवाल की सरकार ने दिल्ली में। तो किसी ने जाके बड़े साहब को कहा मोदी जी को कि जी स्कूल बहुत अच्छे बन रहे हैं दिल्ली में, तो प्राइवेट स्कूलों से निकाल के बच्चे सरकारी स्कूल में दाखिल हो रहे हैं। जो हमने प्राइवेट स्कूलों वाले से ये पैसे से कमीशन लिया था वो रो रहे हैं जी ये सरकारी स्कूल बनने नहीं चाहिए, इससे अच्छे इतने शानदार। तो साहब ने पूछा कौन बना रहा है? जी मनीष सिसोदिया नाम का एक शख्स है, जेल में डाल दो। मनीष सिसोदिया को जेल में डाल दिया भाई साहब। फिर 15-20 दिन बाद कोई बंदा आया चौथी पास राजा के पास, कह जी अस्पताल बहुत अच्छे शानदार कर दिए अरविंद केजरीवाल ने, कोई दवाई का पैसा नहीं लगता जी, पैरासीटामोल से लेके 40 लाख 50 लाख तक के ऑपरेशन फ्री है जी, कुछ पैसा नहीं लगता जी, पार्किंग का भी 1 रुपया नहीं लगता वहां। तो जो प्राइवेट हॉस्पिटल हमने बनवाए हैं जी अपने मित्रों के, वो कह रहे हैं जी हमारे पास तो मरीज ही नहीं आ रहे, सरकारी में जा रहे हैं, ये सरकारी को रोको। तो साहब ने पूछा कौन बना रहा है? कहते जी सतिंदर जैन, जेल में डाल दो। सतिंदर जैन को जेल में डाल दिया भाई साहब। फिर राज्यसभा में एक बिल आया, वहां पे हमारा एक शेर दहाड़ा संजय सिंह, उसने कहा मोदी अडानी भाई भाई, मोदी अडानी भाई भाई। कहते कौन है? संजय सिंह, जेल में डाल दो। अब कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल जहां देश में जाता है जी भाजपा का सूपड़ा साफ हो जाता है जी, क्या करें?
क्या करें, ईडी का नोटिस भेज के जेल में डाल दो। अरे हम वो पत्ते नहीं है जो शाख से टूट कर गिर जाएंगे, हम वो पत्ते नहीं है जो शाख से टूट कर गिर जाएंगे। भाजपा की आंधियों को बोल दो अपनी औकात में रहे, ये हमें डराएंगे, हमको डराएंगे, जेल से डराएंगे, हमें ईडी के नोटिस भेजेंगे। अरे क्या ईडी वीडी आपकी, भेजो नोटिस, आप भेजते रहो नोटिस। जब भी कोई सिस्टम को बदलने की बात करता है उस सिस्टम के बेनिफिशियरी हमेशा बाउंस बैक करते हैं, ये बात याद रख लेना भाई साहब। हम चेत्र भाई के साथ खड़े हैं, ये जेलें रोक नहीं सकती, दरियाओं का रास्ता खुद बनता है, दरियाओं का कोई रास्ता नहीं बनाता, दरिया खुद रास्ता बनाते हैं। चेत्र भाई आपका दरिया है, खुद रास्ता बनाएंगे। आप खड़े हो इतनी भारी गिनती में भाई साहब, ये देखो कहीं कोई कोई इलेक्शन तो नहीं है, कोई वोट मांगने तो नहीं आए, कोई पैसे देकर तो नहीं लाया गया आपको। देखो उधर पैसे देके लाए जाते हैं, उनको टाइम दिया जाता है, जैसे ही साफ बोलने लगे 7 मिनट 12 सेकंड के बाद आपने सिर्फ 30 सेकंड के लिए बोलना है मोदी मोदी मोदी, उनकी दिहाड़ी खत्म उसके बाद। हद है यार, कभी तो सच बोल दो। मैंने पार्लियामेंट में भी बोला था, मैंने कहा 15 लाख की रकम लिखता हूं तो कलम रुक जाती है, आपके खाते में आया तो नहीं ना, हमारे पंजाब में भी नहीं आया, फिक्र मत करो, हम एक जैसी हैं। जुमला था 15 लाख की रकम लिखता हूं तो कलम रुक जाती है, काले धन के बारे में सोचता हूं तो स्याही सूख जाती है। मोदी जी हर बात ही जुमला निकली, अब तो ये भी शक है क्या चाय बनानी आती है, अब तो ये भी नहीं पक्का पता, चाय भी नहीं बनानी आती होगी भाई साहब। हम तो गांव वाले हैं, हम तो हमें तो आती है ना, दो ईंटों का चूल्हा बना के भी हम गांव में करते रहे। आपका कल्चर, आदिवासी का कल्चर, पंजाब के मालवे के गांव का कल्चर एक ही सेम है, यही तीर हम भी बनाते रहे हैं, सामने मुखी लगा के सिर्फ चलाते रहे हैं, तूत की छटी का बनाते थे हम रस्सी से। कल्चर एक है हमारा, हम लोग धरती से निकले हुए लोग हैं, ऐसी बातें कर रहे हैं यार, कभी तो सच बोल दो देश के साथ ना भाई साहब। जुमले सुनाते जुमले, अभी जुमले बनाने वाली फैक्ट्री बहुत जोर पे काम कर रही है, अभी आने वाले दिनों में जुमले आएंगे, एक तो आ गया लॉलीपॉप देंगे आपको, लॉलीपॉप के सिलेंडर 200 रुपए सस्ता, और हम इस बात पे खुशी मनाते हैं, कमाल है भी 200 रुपए सस्ता, लेकिन ये नहीं सोचते 1000 रुपया महंगा भी इन्होंने किया था। ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, ये बात ख्याल रखना, घर जाके अपने माता पिता को अपने दोस्तों को बता देना भगवंत मान आया था उसने बताई थी। कैसे जुमले सुनाते हैं, कैसे पब्लिक इनके झांसे में आती है। एक घर में शादी थी, लड़की की शादी थी, बहुत लाडली बेटी थी, तो घर वालों ने कहा कि खूब शानदार शादी करनी है, खर्च वर्च करेंगे उसके लिए, दहेज उसके लिए अलमारियां टीवी सोफा सेट जेवर इकट्ठे कर लिए। आज रात को घर पे सामान आ गया, कल बारात आनी थी, डाकुओं को पता चल गया कि इस घर में माल है। अब ये बात जोड़ना मोदी जी के जुमलों के साथ, तो डाकू को पता चल गया कि घर में माल है, डाकू आए ट्रक लेके आए, उन्होंने सारा सामान ट्रक में भर लिया, और ट्रक को ले जाने से पहले डाकुओं के सरदार ने कहा लड़की का परिवार कहां है, तो उन्होंने कहा सर इस कमरे में बंद है, खोलो। खोला गया तो अंदर गए, परिवार डरा बैठा था बहुत, तो डाकुओं के सरदार ने कहा किस लड़की की शादी है, वो बेचारी खड़ी हो गई, जी मेरी शादी। डाकू ने अपनी जेब में से 100 रुपया निकाला, उसको शगन दिया, बेटा आशीर्वाद है आपको, बहुत मंगलमय जीवन हो, बहुत आशीर्वाद है, और लूट के चले गए।
भाई साहब अगले दिन पुलिस आ गई, परिवार का कोई मेंबर पुलिस के पास एफआईआर लिखवाने को तैयार नहीं था, कहते कि लूट के भरे ले गए लेकिन बंदे बड़े अच्छे थे, 100 रुपये शगन दे गए भाई। यही हमारे साथ करते हैं, हम तो 4.5 साल लूट लिया लेकिन 200 रुपये सिलेंडर सस्ता कर दिया यार, कमाल कर दिया। सच्ची बात है ना, तालियां बजा के स्वागत करिए फिर सबका। ये लोग यार इनके पीछे पड़े हुए हम लोग, कमाल है यार कमाल है। ये हमारे चेतर भाई जैसे शेरों को अंदर करेंगे क्या? शेर पिंजरे में नहीं रहता भाई साहब, पिंजरे में भी रहता है घास नहीं खाता, शेर अपना शिकार खुद करता है भाई साहब। तो ये शेरों को पिंजरे में डाल रहे हैं, अरविंद केजरीवाल के शेर हैं, ये हमारा बब्बर शेर है और हम इनके शेर हैं भाई साहब। ऐसे छोटे जल्दी जल्दी तो नहीं भाई साहब बब्बर शेर को हाथ डालने देंगे हम? आ जाओ ईडी वालों बीडी वालों, चलो आओ, देखते हैं कहां कहां तक आओगे। मजाक बना रखा यार, मजाक बना रखा। जब भी कोई इलेक्शन होती है चेतर भाई को अंदर कर दो, जब भी कोई चुनाव आया अरविंद केजरीवाल को अंदर कर दो। हद है यार, मतलब हम इलेक्शन ही नहीं लड़ सकते क्या? देश तुमने आजाद करवाया था, अरे भगत सिंह की कुर्बानियां भूल गए, राजगुरु सुखदेव की कुर्बानियां भूल गए, 23-23 साल की उम्र में फांसी के रस्से चूमे भाई साहब, आपने करवाया था याद? यार तुम कौन होते हो हमें देशभक्ति के सर्टिफिकेट देने वाले? हद है, हैरानी है, कमाल है। लेकिन आदिवासी समाज के साथ खड़े हम, हमें पता है आप लोग मेहनती लोग हो, हमें आपकी हाथों की और पैरों की दोनों लकीरें पता है भाई साहब। हमने खुद खेती का काम किया हुआ है, 25-25, 30-30 फुट गहरे कुओं में से निकले हुए लोग हैं हम लोग, आप भी ऐसे लोग हैं। इन लोगों के हाथ में देश दे दिया हमने यार। एक गांव में पैसे चोरी होने लगी, ये बात भी याद रख लेना, इसको भी मोदी जी के साथ ही जोड़ देना। एक गांव में भैंस चोरी होने लगी, एक घर की एक भैंस चोरी होगी, अगले दिन दो भैंस चोरी होगी किसी और घर की, उससे अगले दिन भी एक भैंस चोरी हो गई। तो गांव वाले परेशान होके एक बाबा के पास गए, उसी गांव में रहता था, कि बाबा जी क्या करें, भैंस चोरी हो रही है हमारी लगातार, कोई उपाय बताइए। तो बाबा जी ने कहा गांव में अनाउंसमेंट कर दो स्पीकर में, एक चद्दर लेके चार जाने चद्दर ओढ़ के खड़े हो जाओ, एक कोना ये पकड़ ले, 1, 2, 3, 4 जाने चार कोने पकड़ के खड़े हो जाओ, पूरे गांव को चद्दर के नीचे से निकालो और जिसने भी भैंस चोरी की होगी चद्दर से नीचे से जब गुजरेगा तभी मर जाएगा। भाई साहब उन्होंने चद्दर पकड़ा दी चार बंदों को, पूरा गांव उसके नीचे से निकल गया, कोई बंदा नहीं मरा। फिर उसी साधु के पास गए, जी कोई मरा नहीं, कहते चादर किसने आजा जी ऐसा, वो कहते कोई नहीं मरेगा। फिर कहते क्यों? कहते जो भैंस चोरी करने वाले थे वो तो चादर पकड़ के खड़े थे, हमने देश की चादर बेईमानों के हाथ में दे दी और अपने आप में से हम एक दूसरे का कसूरवार और दोषी ढूंढ रहे हैं भाई साहब। सो हम तो यही कहेंगे कि एक हो जाओ, वैसे तो तुम एक ही हो, एक हो जाओ और एक के में बल है, एकता में बल है, जितने मर्जी इकट्ठे कर लो। ये भ्रष्टाचारियों को कहना चाहता हूं, जितने मर्जी इकट्ठे कर लो पैसे हीरे मोती, मगर ख्याल इतना रहे कफन पे जेब नहीं होती, सिर्फ आखिरी कपड़े पे कुछ नहीं होता। पंजाब से आया हूं, पंजाब में 42,000 सरकारी नौकरियां देके आपके सामने खड़ा हूं 20 महीने में, सिर्फ 20 महीने में, पटवारी सब इंस्पेक्टर क्लर्क एसडीओ, अभी जाने के बाद भी 10 तारीख को 700 नौकरियों का और नियुक्ति पत्र बांट रहा हूं, 700 नौकरी का 10 तारीख को चंडीगढ़ जाके बांटूंगा। और पंजाब में 90% घरों को बिजली का बिल जीरो आता है जी, बिजली का बिल बिल्कुल जीरो आता है जी। और पंजाब ने एक नई उल्टी गंगा बहाई, आमतौर पर सरकार आती है सरकारी संस्थाओं को घाटे में दिखा के अपने मित्रों को बेच देते हैं, लेकिन पंजाब सरकार ने 6 दिन पहले सरकारी सरकारी जो बिजली बोर्ड है हमारा
उसने एक प्राइवेट थर्मल प्लांट को खरीद लिया कि तुम हमसे नहीं चलेगा तो हम चला के दिखाएंगे। ये नियत है भाई साहब, ये अरविंद केजरीवाल की सोच है, ये अरविंद केजरीवाल का खींचा हुआ एक नक्शा है, इस पे चलना है। अगर तो इस पे चल सकते हो तो चल लो, वरना सस्कार वरना नमस्कार। अगर आपको पैसा चाहिए, अगर आपको फेम होना है, फोटो लगवानी है, तो किसी और पार्टी में चले जाओ। हाँ, अगर देश की सेवा करनी है, जेल जा सकते हो, जेल जाने में कोई दिक्कत नहीं है, मुख्यमंत्री बनके भी घाटे में रहना पड़ेगा, तो आज आ जाओ मेरी पार्टी में, आ जाओ अरविंद केजरीवाल की पार्टी है भाई साहब। तो ये हमारी टेस्ट ले रहे हैं, कोई बात नहीं। तो इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि एक हो जाओ, आदिवासी समाज चित्र भाई के साथ खड़ा है, हम भी साथ खड़े हैं। बहुत बड़े बड़े वकील हम करेंगे सुप्रीम कोर्ट में, और जल्दी ही चित्र भाई आपके बीच होंगे, उस दिन फिर आएंगे, उस दिन फिर आएंगे। और आखिर में मैं यही कहना चाहूंगा कि लोगों को अक्सर कहते सुना है, जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे। लोगों को अक्सर कहते सुना है, जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, लेकिन इस पंजाबी दिल ने कहा है, मिलते रहे तो जिंदा रहेंगे। दोनों हाथ ऊपर उठा के दो नारे, इनकलाब। देखो भाई साहब, यहां भाजपा वाले भी आए होंगे, देखो 5-7 तो आए होंगे ना, देखो उनको आना पड़ता है बेचारों के, आका भेजते हैं कि जाओ अरविंद केजरीवाल की रैली है, जनसभा है, उसमें अरविंद केजरीवाल ने क्या बोला वो जाके बोल देंगे, भगवंत मान ने क्या बोला वो जाके बता देंगे, चेत्रा भाई के बारे में क्या बोला गया सब कुछ बता देंगे, कितना रश था सब बता देंगे। लेकिन वो एक बात जब पूछेंगे, नारे कितनी जोर से लग रहे थे, कम से कम ये वाला सवाल तो आपके हाथ में है, जब ये पूछा जाए उनसे, यहां बैठे हुए भाजपाइयों से, कि नारे कितनी जोर से लग रहे थे, कम से कम वो ये बताए। इस बात के लिए आपको पूछने की क्या जरूरत है, आपके घर तक भी तो सुने ही होंगे। थोड़ा जोर से, इनकलाब, इनकलाब, चित्र भाई तुम संघर्ष करो, सोनिहाल। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना मान सम्मान प्यार से सुना, जीते रहिए, खुश रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद।